हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज यूसुफ खान और आज मैं आज अपने न्यू वीडियो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप दैट विल सून डिफाइन योर फेस। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट टिप, स्टॉप टचिंग योर फेस। सो गाइस, हमें आदत होती है अपने फेस को टच करने की, जो हमें नहीं करना चाहिए। हम बाहर जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को छूते हैं, काम करते वक्त कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ों को छूते हैं जो कभी क्लीन होती है और कभी क्लीन नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा हम दिन में पैसों को छूते हैं, हम किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं और वो नोट क्लीन नहीं होता, बिकॉज बहुत लोग उस पैसों को छू रहे हैं। इसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया भी होती है, डस्ट भी होती है और चलो नहीं भी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, नोटों को बनाने के लिए डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ 20-15% डस्ट यूज़ किया जाता है उसके अंदर। सो इट्स नॉट गुड। और हम वही पैसों को छूते हैं और उसकी वजह से हमारे हाथ में, हमारे फिंगर में डस्ट लग जाता है, बैक्टीरिया लग जाते हैं और वही बैक्टीरिया लगा हुआ हाथ हम अपने फेस पे लगाते हैं तो हमारे फेस पे भी पिंपल आ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फेस पे हाथ लगाने से पहले अपने हाथ को क्लीन कर लें। कोई भी अच्छा सोप या कोई भी अच्छा हैंड वॉश यूज करें अपने हाथ को क्लीन करने के लिए और उसके बाद आप अपने फेस पे टच करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड टिप, डेफिनेटली डोंट टच योर फेस टू पॉप और जेट। आई नो हमारे फेस पे कितनी बार पिंपल आ जाते हैं, कभी नोज पे, कभी हेड पे, कभी चेक पे, जो हम नहीं चाहते और हम उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप जब पिंपल फोड़ते हो तो आपके फेस के वो एरिया पे रेडेड हो जाता है एंड इट्स डेफिनेटली नॉट लुक गुड। और जब आप पिंपल फोड़ते हो तो उसकी डर्टीनेस बाहर आती है, आपके हाथ पे लग जाता है और उसकी वजह से आपके फेस पे दोबारा दूसरी जगह पर पिंपल आ जाता है। तो इट्स नॉट गुड आइडिया कि आप अपने पिंपल फोड़ो। अगर आप फिर भी आप अपने पिंपल फोड़ते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पिंपल फोड़ने से पहले अपने हाथ क्लीन कर ले और अपने फेस को क्लीन वाटर से धो ले। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिंपल फोड़ने के लिए अपने हाथों का नहीं, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें अपने पिंपल फोड़ने के लिए। इट्स बेस्ट। 30, यू नीड टू मेक श्योर डेट यू आर वॉशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग योर फेस एवरी डे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, धूप में काम करते हैं, धूप में घूमते हैं। एज यू ऑल आर नो कि बाहर कितनी पॉल्यूशन है और उसकी वजह से हमारे फेस पे पॉल्यूशन लगता है, डर्टीनेस आती है और उसकी वजह से हमारा फेस कई बार डार्क भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे पिंपल आते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी अच्छा फेस वॉश यूज करें अपने फेस को धोने के लिए, बिकॉज हमारे फेस की स्किन, हमारे बॉडी की स्किन से बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसके लिए हमारे फेस पे सोप यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे निविया का मेन फेस वॉश यूज कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। वैसे आप कौन सा भी फेस वॉश यूज कर सकते हो अपने फेस के लिए, जो आपको अच्छा लगता है अपने फेस के लिए। तो आपको दिन में फेस दो बार धोना है, एक सुबह उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले। 40, स्लीप ऑन क्लीन पिलो केसेस। बिकॉज अगर आप सोने से पहले अपना फेस धो भी लेते हो, क्लीन भी कर लेते हो और फिर आप जाके डर्टी पिलो पे सो जाते हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। इससे आपको पिंपल एक्ने भी आ सकते हैं, जो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। सो बिफोर यू स्लीपिंग जस्ट चेक योर पिलो इज क्लीन और नॉट। 5th टिप, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। हमें पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ही पीना चाहिए, और मिनिमम 3 लीटर एक दिन में हमें पानी पीना चाहिए। ऐसा मैं ही नहीं, डॉक्टर भी कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसानों को दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 3 से 4 या 5 जितना भी आप पी सको, जितना आपकी कैपेसिटी, लेकिन एक दिन में 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि उससे हमारे स्किन हेल्थ अच्छा होता है और हमारे चेहरों पे पिंपल भी नहीं आता, क्योंकि उससे हमारा खून साफ हो जाता है। और ज्यादातर लोग ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन हमेशा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि वो कितना पानी पी रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं होता है वो दिन में कितना लीटर पानी पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, कितना बॉटल पानी पी रहे हैं, कितना गिलास पी रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है। सो बहुत लोग 1 से 2 दिन या 2 से 4 दिन ये रूटीन फॉलो करते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। मैं आपको एक आइडिया दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप 1 लीटर का बॉटल खरीद लो और उससे दिन में 3 बार भरकर पियो। अब तुम कभी भी पियो, कभी ज्यादा पियो, कभी थोड़ा पियो, लेकिन वो बॉटल दिन में 3 बार भर के पियो। इससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपने दिन में 3 लीटर पानी पिया है। मैं भी यही करता हूँ और ये बेस्ट तरीका है हमें याद रखने का कि हमने दिन में 3 लीटर पानी पिया है या नहीं पिया। 6th टिप, यूज सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउटसाइड। एज यू ऑल आर नो कि बाहर कितनी गर्मी, धूप, पॉल्यूशन है और उससे हमें अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे फेस पे डायरेक्ट धूप लगता है, पॉल्यूशन लगता है, जिससे हमारे फेस पे एक्ने पिंपल आते हैं जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। सो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें बाहर जाने से पहले कोई भी अच्छा सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई करना है और फिर बाहर जाना है।
वैसे मैं यहाँ पे लेक्मे का सनस्क्रीन भी यूज कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो वेल गाइस, आई होप आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे और आपको सही भी लगे होंगे। सो प्लीज लीव लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।